अब इंजन उतारने की बारी आती है तो इंजन उतरेगा यहाँ से, जितना भी क्लैंप है ना ए टू जेड उतरेगा, पहले एग्जॉस्ट उतरेगा उसके बाद अपना प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। हमने इसकी सीट टैंक तारे अपनी जो फ्रंट लाइट है वो सारा कुछ हमने उसका उतार दिया ऑलमोस्ट। कैसे अपनी YouTube फैमिली आपकी होगी बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो आज है सेकंड पार्ट और सेकंड डे जो हम अपनी हार्ले को अपनी अवेंजर को हारने में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक अपने चैनल पे आप लोग न्यू हो जाके पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिसकी लास्ट वाली आपको जो वीडियो देखना चाहते हो कितना एक्साइटमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताना। फर्स्ट पार्ट आ गया, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके पहले वो चेक कर लो, फिर सेकंड पार्ट भी चेक कर लेना आप लोग। तो एक बार मैं बाइक चेक कराता हूँ आप लोगों को। अवेंजर जिसके ऊपर हमने कल फर्स्ट पार्ट बनाया था, आज सेकंड पार्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट में हम जो है इस पे हैंडल वगैरह जो भी इसके टंकी वगैरह ओपन करनी है टंकी ओपन करते हैं एंड इसकी सीट वगैरह ओपन करते हैं, इसका ये बैक साइड वाला सारा हटा देंगे और कुछ जैसे कि ये देख सकते हो मतलब ये जो रस्टिंग वाला एरिया है जितना भी मतलब अलॉय पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंद आ रखा है तो इसको भी क्लीन करेंगे, शॉकर वगैरह पे क्लीन होएगा। तो कोशिश करते हैं इसका इंजन जितना भी है ना इसके इंजन को इसकी बॉडी से अलग करेंगे, उतार देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो है पेंट होना है और पेंट तभी हो पाएगा जब ये क्लियर हो पाएगा, साफ़ हो पाएगा। डन। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा बुरी हालत है इसके कंडीशन की। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा साफ़ करा था, देखा था कि साफ़ हो जाएगा कि नहीं, ये अलॉय पे देखो कितना गंद है। तो इसके डिस्पैड भी अभी न्यू डाल देंगे जो ख़राब हो गया, तो चेक कर सकते हो मतलब फ्रंट में। तो कोशिश करते हैं अभी इसके इंजन को उतारते हैं और इसके टैंक पैड टैंक को भी उतारेंगे, सीट वगैरह को भी उतार देते हैं। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू और आप लोग चेक करते रहो मतलब जो जो पार्ट खुलता रहेगा। और आप लोग होप करता हूँ बहुत इंटरेस्टेड से ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, होप करता हूँ सब्सक्राइब भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो सामने अपना ब्लैक पैंथर देखते हो बोला बहुत ज़्यादा जबरदस्त लग रहा था। सो यहाँ पे अपना हम टंकी खोलने की तैयारी करते हैं। तो टंकी में जो है ना एक नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, एक जो नट था ना बड़ा हार्ड हो रहा था मतलब कि उसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी तो खोलना औखा हो रहा था, तो फाइनली वो खुल गया था। और सीट भी जो है ना सीट के नीचे मेरे को नहीं पता था, दो नट नीचे की तरफ हैं, पहले वाली जो हार्ले अवेंजर थी उसके अंदर नहीं थे, बट इस वाली जो अवेंजर में दो नट नीचे अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चलो खैर कोई बात नहीं, देखते देखते हमारे साइड में इतनी भीड़ होती चली जाती है कि हमारे यार दोस्त जितने भी हैं सारे इकट्ठे होते चले जाते हैं क्योंकि सारे इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, और हमारे जितने भी आसपास वाले हैं सारे पूछते रहते हैं भाई कब ये बाइक तैयार होने वाली है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी इंटरेस्टेड रहो और इस वीडियो को इंटरेस्टेड तरीके से देखते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो और शेयर भी करते रहो, क्योंकि देखो हो सकता है कुछ लोग इसमें सीख भी रहे होंगे, कुछ लोग इसके अंदर इसको इंटरेस्टेड से देख रहे होंगे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं खुद एक मतलब बता सकता हूँ कि मतलब बहुत इंटरेस्टेड हो से मैं काम कर रहा हूँ और जो इसका लास्ट वाला मोमेंट है ना मैं उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ऐसे आप लोग कर रहे होंगे और मेरे आस पास वाले जितने भी लोग हैं वो सारे कर रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा इन्जॉय भी करते रहो, साउंड जो हमने साउंड लगाया उसको भी इन्जॉय करो, क्योंकि देखो यार हर टाइम बोलते रहेंगे तो हो सकता है आप लोग भी बोर हो जाओगे, बट कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो देखो यार हमारे पास जितना भी हमने वायरिंग वाला एरिया था सारा उतार दिया ए टू जेड, क्योंकि वायरिंग उतारने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी जो है अर्थिंग वायर और फ्रंट लाइट जैसी वायर और जितना भी ईसीएम वगैरह एरिया था तो उसको बहुत स्मूथ तरीके से उतारना था, क्योंकि अगर एक भी तार हमारे से खींच जाती ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस कैसी लग रही है आप लोगों को ये वीडियो, होप करता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। और छोटा सा कमेंट भी कर दो, कुछ भी कर दो, चाहे जो जैसा आप चाहो वैसा कमेंट कर दो। तो टाइमलेस में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, सारे फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। तो यार मैं मतलब कि इस बाइक पे आज फिलहाल जो हमने ये काम किया आप लोगों को सारा वो
प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच गया। हमने इसकी सीट, टैंक, तारे, अपनी जो फ्रंट लाइट है वो सारा कुछ हमने उसका उतार दिया। ऑलमोस्ट टैंक ये पड़ा है, वायरिंग ये पड़ी है, बैटरी के साथ हमने सारा कुछ उतार दिया। आप यहाँ तक चेक कर सकते हो, चापे साइड के हैं और ये बार हैंडल बार पड़ा है और ये इसके साइड वाले कॉल पड़े हैं। सीट अपनी ये पड़ी है, अभी कस्टम हो जाएगी कुछ दिन में। तो फिलहाल कुछ ऐसे दिखती है बाइक सारे कपड़े इसके उतरने के बाद। देखो कंडीशन देखो, ए टू जेड, मतलब जगह जगह छोटी छोटी जगह पे भी ना इसके रस्टिंग लगी हुई है। एक मट्टी इस तरीके से बैठी हुई है, ये उतारना पड़ेगी, औखा हो जाता है। ये ना डीजल वॉश करनी पड़ेगी तब जाके क्लियर होगा। अब इंजन उतारने की बारी आती है, तो इंजन उतरेगा यहाँ से, जितना भी क्लैंप है ना ए टू जेड उतरेगा, पहले एग्जॉस्ट उतरेगा, उसके बाद इंजन उतरेगा, फिर इसकी सफाई होगी। सफाई होने के बाद जो है इसको पेंट किया जाएगा और ये सारा लैकड़ वगैरह भी उतार देंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही काम करेंगे, क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आने हैं इस बाइक के ऊपर जो कस्टमाइज के लिए रहेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही दिन के अंदर वीडियो दे देंगे ना, आप लोगों को समझ आएगा ना, हम कर पाएंगे आप लोगों के साथ ना। तो जैसे अभी हैंडल बार देख रहे हो, ये भी अभी मतलब एक दो वीडियो में जाके आगे चेंज कर देंगे इसको। तो ये है कंडीशन कुछ ऐसी। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टेड लगी होगी, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा। और जितना भी टाइम लैप्स है मैंने इस वीडियो में जो है ना आप लोगों को कम बताया, कम इसलिए बताया क्योंकि देखो बात करते रहना, काम करते रहना बड़ा औखा हो जाता है और काम करना बड़ा औखा हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो क्या है कि ना मतलब टाइम लैप्स हमने इसलिए बना दिया, उसमें जल्दी जल्दी जो है सारा कुछ आप लोगों को नज़र आता रहेगा। और हो सकता है कि अगली वीडियो में भी ना आप लोगों के पास जो है ऐसी टाइम लैप्स ज़्यादातर आएंगे और जो हम बताएंगे वो कम बताएंगे, आपको देख के जो है उसके अंदर सारा कुछ सीखना पड़ेगा और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। डन। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, हो सकता है अगली वीडियो में हम जो इसके टैग वगैरह भी आप लोगों को दिखा दें। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बने। और सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा और लाइक कर रहे भी ना आप लोगों ने नहीं जाना, कमेंट छोटा सा जरूर करना है, क्योंकि ये देखो यार बड़ी इंटरेस्टेड सी वीडियो है और बड़ी मेहनत लगती है चीज़ों के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा होप करता हूँ। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू गाइज।